और दौसा में जिस तरह से पुलिस कांस्टेबल को गोली लगी है, इस पूरे प्रकरण पर आईजी उमेश दत्ता से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सत्यनारायण शर्मा ने। दौसा जिले में बदमाशों का पीछा कर रहे पुलिसकर्मी के ऊपर फायरिंग की गई है। खुद आईजी ग्रामीण उमेश दत्ता हमारे साथ है। सर, एक बड़ी घटना हुई है, क्या कुछ घटनाक्रम जानना चाहेंगे सर? देखिए, अभी तक मॉर्निंग में सूचना प्राप्त हुई थी लोकल डीएसटी को कि कुछ वाहन चोर हैं जिन्होंने भागने का प्रयास किया है हाईवे के ऊपर, और उनकी जानकारी और उनका पीछा करते हुए ये जो डीएसटी के लड़के थे, इन्होंने ये जो लोग भागे हैं, ये पास के जो आप देख सक रहे हैं आगे जो खेत हैं बाजरे के, उसमें जब गए हैं तो उनमें से एक जो अपराधी है उसने फायर किया है, जिसमें अपने एक डीएसटी के जो कर्मी थे, जो कांस्टेबल हैं प्रहलाद सिंह, उनके इंजरी हुई है। वो अभी जहर इलाज हैं एसएमएस हॉस्पिटल में, और अभी मॉर्निंग में से ऑपरेशंस चल रहे हैं, जिसमें कि पूरे के पूरे एरिया को स्कैन कर रहे हैं एक तरफ, और उसके साथ साथ जो ग्रामीण हैं यहाँ के जितने सारे के सारे, उनको भी साथ लेकर एक्स्ट्रा ये पूरे के पूरे एरिया की जो स्कैनिंग है उसको किया जा रहा है। और कुछ लीड्स हैं जिनके ऊपर हम इस समय वर्क कर रहे हैं, और जल्दी इसको खोलने में सफल हों इसी को लेकर सारे की सारी एडिशनल फोर्सेस को भी इसमें डिप्लॉय किया गया है। सर, कितने राउंड फायर किए गए सर? देखिए, अभी संपूर्ण जानकारी जुटा रहे हैं, और इसमें हमारे जो कर्मी है उसका जो अपना सर्विस वेपन था उससे भी राउंड चला हुआ मौके पे मिला है। वो सारे के सारा जो आंकलन है, एफएसएल टीम मौके पे आ गई है, वो किया जा रहा है, और इस समय पूरे की पूरी जो एनर्जीज़ हैं वो इस पूरे के पूरे एरिया को स्कैन करने के लिए जो टीमें उतरी हुई हैं इन खेतों में, और जैसा मैंने कहा यहाँ से लेकर आगे फर्दर पीछे जयपुर की तरफ और आगे सिकंदरा साइड में सारी जगह ये अभियान चलाया जा रहा है। सर, तो ये थे आईजी ग्रामीण उमेश दत्ता, का साफ कहना है कि पुलिसकर्मियों को सूचना मिली थी कि वाहन चोर किसी बाइक को लेकर चुरा कर जा रहे हैं, उसके बाद में पुलिसकर्मी ने उनका पीछा किया, उसके बाद में पहले पुलिसकर्मी ने फायरिंग की, उसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद जब रुका नहीं तो बदमाश ने घूम के अपने वेपन से पुलिसकर्मी को फायर किया। फिलहाल जानकारी मिल रही है कि अपराधियों को नामजद कर लिया गया है, और उम्मीद की जा सकती है कि जो अपराधी है जल्द से जल्द कानून के शिकंजे में होंगे। कैमरा जर्नलिस्ट गिरीश सत्यनारायण शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, दौसा। हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता। अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो, यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा, हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती हैं सबसे पहले सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट।